थ्री 9 + 1 कितना हो गया 10, तो क्या हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर बन गया हमारे पास 6, 8 एंड 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 14, यानी कि मेरे पास गिवन है 2m = 14, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14 को 2 से डिवाइड करके 7। इसके बाद हम फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2m, 2m की वैल्यू हमारे पास 7, 7 × 2 जो कितना आएगा 14, वो हमारे पास गिवन भी है। इसके बाद सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमारे पास है m² - 1, m की वैल्यू कितनी है 7, 7² - 1, 7 × 7 = 49, -1, 49 में से 1 जा कितना बचेगा 48। थर्ड नंबर हमारे पास है m² + 1, m की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, 7² + 1, 7 × 49 + 1 = 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 14, 48 एंड 50, ये नंबर बन गया। इसमें एक चीज और भी होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कि जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है उसका होल स्क्वायर उन दोनों के नंबर के होल स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 का होल स्क्वायर है वो 6² + 8² के इक्वल होगा। 10 × 10 = 100, 36, 8 × 8 = 64, तो 100 = 100, ये क्या कहलाएगा पाइथागोरस। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का होता है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस का मतलब यह होता है कि सबसे बड़ी साइड का होल स्क्वायर दो साइड के होल स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर गिवन है लेकिन हमें क्या करना है, दो अदर नंबर फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है 2m, m² - 1 और m² + 1। तो हमारे पास पहला नंबर